खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बजट पेश किया। आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थी और सीतारमण ने भी उनको निराश नहीं किया। सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है, वहीं साथ ही आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा। कहीं मोदी सरकार ने छूट देकर मिठाई खिलाई तो कहीं विकास की दुहाई देकर पिलाई कड़वी दवाई। बजट का निचोड़ निकाला जा रहा है, जैसे जैसे फैक्ट सामने आ रहे हैं तस्वीर साफ होती जा रही है। आयकर छूट को लेकर भी लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। कितनी छूट मिलेगी, नया टैक्स स्लैब बेहतर है या फिर केवल ये आंकड़ों का खेल है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए जहां सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के गठन का प्रस्ताव रखा, तो वही LIC में IPO लाकर सरकार उसको शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराकर पैसा जुटाने की तैयारी में है। साथ ही IDBI के भी सरकारी हिस्से को बेचने की और सरकार ने कदम इस ओर बढ़ा दिए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लक्ष्य बनाकर मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, जिसका असर उसकी आर्थिक नीतियों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मोदी सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। सरकार को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के 6500 प्रोजेक्ट्स में करीब 103 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो, जिसके लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की जल्द घोषणा होगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के गठन का प्रस्ताव भी सरकार लेकर आई है। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए बड़े निवेश की दरकार है, जिसके लिए सरकार ने स्टडी इन इंडिया की शुरुआत की घोषणा की है। जबकि सरकार ने सेलफोन, सेमीकंडक्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए योजना लाने का प्रस्ताव दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड इंडिया हैज शोन इट्स कॉस्ट एडवांटेजेस। The potential of this industry in job creation is immense. India needs to boost domestic manufacturing and attract large investments in the electronics value chain. Here I propose a scheme focused on encouraging manufacture of mobile phones, electronic equipment and semiconductor packaging. The details will be announced sooner. दूसरी ओर सरकार ने आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार भारतीय जीवन बीमा का IPO लाएगी, सरकार LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराकर पैसा जुटाएगी। आने वाले वक्त में 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करना सरकार का लक्ष्य होगा। साथ ही राजकोषीय घाटे को 3.5% रखना सरकार का लक्ष्य है। वहीं सरकार को अनुमान है कि FY20 में राजकोषीय घाटा GDP का 3.8% रहेगा। आपको बता दें कि FY20 में सरकार ने बाजार से 4.99 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। Every budget must appropriately address the issue of fiscal deficit. Every budget must appropriately address the issue of fiscal deficit. Recently, government has undertaken very significant tax reforms for boosting investment. However, expected tax buoyancy will take time. We estimate a fiscal deficit of 3.8%. सरकार निजीकरण की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। इस कड़ी में सरकार IDBI की बड़ी हिस्सेदारी बेचेगी। 10 बैंकों को 4 बैंकों में मिलाया जा रहा है। ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहें, इसके लिए वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी की जा रही है। दूसरी ओर बैंक के डूबने की सूरत में बैंकों में जमाकर्ता की रकम पर जो बीमा कवरेज 1 लाख रुपए तक का था, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। सिर्फ 1 लाख रुपए की वापसी की गारंटी बीमा के जरिए थी, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। साथ ही सरकार और बैंकों में अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य तय है, विकास के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था दिन दुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
आज आए आम बजट पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्हें सुनते हैं। बहुत निराशाजनक बजट, 2.5 घंटे से ज्यादा, पता नहीं क्या, इस तरह का बजट मैंने तो कभी देखा नहीं मेरी जिंदगी में। इस बजट में क्या है बताइए आप इस हाथ से लो और इस हाथ दो, ये तो इन्होंने टैक्स स्लैब के मामले में किया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आज देश के सामने क्या है, हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को थामने की आवश्यकता है। जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति है उसको संभालने के उपाय इस बजट में कहाँ नजर आ रहे हैं, और जब आर्थिक स्थिति नहीं संभलेगी तो नए रोजगार के सृजन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज देश का बेरोजगार पिछले 6 साल से उम्मीद कर रहा है कि कोई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा बजट लाएगी जिससे मेरी रोजगार मिलने की उम्मीद पूरी हो, फिर निराशा उन्होंने पैदा की। मतलब पहले ही नारा दे रहे थे स्टैंड अप इंडिया, आज इस बजट से इन्होंने सिट डाउन इंडिया कर दिया। और बात करें उद्योगों और कॉरपोरेट्स की, तो वित्त मंत्री ने बजट में इंडस्ट्री और कॉमर्स के विकास के लिए 27,300 करोड़ का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योग, वाणिज्य और निवेश बहुत अहम है, निवेश को आसान बनाने के लिए एक सेल बनाया जाएगा। कहा जाता रहा है कि नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा झटका छोटे और मध्यम उद्योगों को ही लगा था, अब सरकार ने इस सेक्टर को उबारने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। निर्मला सीतारमन ने बजट में घोषणा की कि इंडस्ट्री कॉमर्स के विस्तार के लिए 27,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जाहिर तौर पर इससे इस सेक्टर को नई ताकत मिलेगी, वहीं SME उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने की भी बात बजट में की गई है। निर्मला सीतारमन ने उद्योगों के लिहाज से ये बड़े ऐलान किए। मोबाइल हब बनेगा भारत, मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाई जाएगी, सेमीकंडक्टर और मेडिकल डिवाइस बनाने पर फोकस होगा, हर जिले का एक्सपोर्ट हब के रूप में विकास होगा। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम इज मूविंग अहेड फॉर क्रिएटिंग अ यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स। इट ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। 3.24 लाख वेंडर्स are already on this platform. It is proposed to take its turnover to 3 lakh crores. I propose to provide about 27,300 crores for development and promotion of industry and commerce for the year 2020-2021. In sab ke saath Vitt Mantri Nirmala Sitaraman ne ghoshna ki hai ki sarkar ek nirvik yani niryat rin vikas yojana लाने जा रही है। इसके तहत निवेशकों को लोन दिया जाएगा, साथ ही इस योजना में 90% तक इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा काम करेगी और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा दिया जाएगा। टू अचीव हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्पर्समेंट अ न्यू स्कीम निर्विक इज बीइंग लॉन्च्ड व्हिच प्रोवाइड्स फॉर हायर इंश्योरेंस कवर, reduction in premium for small exporters and simplified procedure for claim settlements. It is proposed to digitally refund to exporters. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उद्योग, वाणिज्य और निवेश बहुत अहम है, निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए निवेश क्लियरेंस सेल बनाया जाएगा, इंफ्रा पाइपलाइन के जरिए 6500 प्रोजेक्ट करेंगे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की जल्द घोषणा होगी जिसमें ई लॉजिस्टिक मार्केटप्लेस के लिए सिंगल विंडो बनाने पर काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो बजट आज पेश हो चुका है, लेकिन कैसा है ये बजट और किस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स देखते हैं, एक पूरा बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ हैं आरपी विजय जी हैं, बीजेपी नेता हैं, सुमित्रा चोपड़ा जी हैं, वाम दल नेता हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं, मानचंद खंडेला जी हैं अर्थशास्त्री हैं, विनीत मान जी हैं रेलवे बजट के जानकार हैं, वर्धमान सेठिया जी हमारे साथ हैं रियल एस्टेट से। आप सभी का बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आप सभी का रिएक्शन ही चाहेंगे इस बजट को, अगर एक मिनट में डिफाइन करना हो तो कैसे देखेंगे आप? मानचंद जी, शुरुआत आपसे। सुनने में बहुत ही बेहतरीन, ढूंढने में बड़ा मुश्किल और प्राप्त करना तो असंभव, ये मोटे रूप में रिएक्शन है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, देखिए एक दो एग्जांपल आपके सामने दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 साल में 103 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और इस बजट में रखा गया 1.7 लाख करोड़ रुपए, आप इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए। एक बात, दूसरी बात, इस बजट में जो सबसे
विचारणीय बात है, मैं चिंतनीय भी कहूंगा, विचारणीय भी कहूंगा, चिंता की कहूंगा। दो तरह से जो है कहा गया टैक्स पेयर को, डायरेक्ट टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, चाहे तो आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 वाले को स्वीकार कर लें या पुराने वाले को स्वीकार कर लें। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो तो वैसे ही ऋण में रहती है, और अगर उसने नई वाले स्लैब्स को ले लिया इसके बाद क्या होगा, सारी तरह की बचत नहीं करेगी तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा, और बुढ़ापा आजकल जल्दी आता है, 40 साल में आ जाता है। एक बात, दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बड़ी गंभीर बात है, हंसने की बात है, बहुत ही बहुत गंभीर बात है। एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि बैंकों को हम रास्ते पर ला रहे हैं और हड़ताल अभी हो रही है, ठीक है, और उसके बाद में हम ये कहना चाह रहे हैं कि एनपीए जो है उस रूप में जो रुकना चाहिए था वो वहां पे नहीं रुक रहा, ये बात कह रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जो विश्वास वाली बात थी वो विश्वास वाली बात होनी चाहिए थी और उसके आधार पर सब कुछ होता है, लेकिन हुआ क्या, शेयर मार्केट को आपने देख लिया, मतलब जो आपका जो बड़े जो उद्योगपति हैं उनका रिएक्शन आपने देख लिया, छोटे उद्योगपति हैं उनका भी आपने रिएक्शन देख लिया। अब सवाल ये आ रहा है कि देखिए अभी हमारी मूल समस्या जो हमेशा कहा करता हूं मैं वो है हमारी तरलता की, प्रभावी मांग की, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, बढ़ाने के लिए बात समझ किया कि आप टैक्स से इधर लेंगे और इधर दे देंगे और आपके पास में कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब कुछ नहीं छोड़ेंगे सरकार कुछ खर्चा नहीं करेगी, छोड़ेंगे कुछ नहीं, तरलता बढ़ेगी नहीं, प्रभावी मांग बढ़ेगी नहीं, उद्योग जो भी है रोजगार वगैरह वो बढ़ेंगे नहीं, ये कुल मिला के इस बजट का है। ये आप देख रहे हैं सर, विनीत मांझी का रुख करते हैं, रेलवे बजट भी अब जिस तरह से साथ आने लगा है समझ नहीं आता कि रेलवे के लिए क्या दिया, लेकिन ओवरऑल इस बजट को एक मिनट में आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम रेलवे के परपेक्स में देखें, आज से 5 साल पहले जब रेलवे का बजट आया करता था तो लगभग 30 से 40 पेज का रेलवे का इटसेल्फ बजट होता था, आज वो बजट मात्र 5 या 6 लाइन में सिमट के रह गया। तो जो जिस उम्मीद से ये सोचा था कि बजट को मर्ज करके कुछ रेलवे को फायदा होगा, ऐसा कुछ इसमें नजर नहीं आता है। सबसे बड़ी बात जब मर्ज करने की थी उस वक्त ये था कि रेलवे के ऊपर जो पेंशनर्स का जो भार है कि पेंशन जो रेलवे अपनी तरफ से जो अपने फंड से देती है उसको भारत सरकार अपने फंड से देगी, रेलवे को जो सब्सिडी मिलती है वो रेलवे की सब्सिडी जो है भारत सरकार अपने पास से देगी, लेकिन ये बजट में मर्ज होने के बाद भी इसको रेलवे के ऊपर ही छोड़ा गया है, और आज जो 1,00,000 करोड़ रुपया रेलवे को जरूरत है उसकी जगह पिछले बार लगभग 65,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया, और अभी भी उम्मीद है कोई 70-75,000 करोड़ रुपया इसमें मिलने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें रेलवे को मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो सरकार ले जा रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पर है और रेलवे दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता पूरे भारत देश में है, अगर रेलवे को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे तो देश में बेरोजगारी की हालत और बढ़ेगी, और प्राइवेटाइजेशन से किसी का भला नहीं होगा, न पब्लिक का भला होगा, न रेल कर्मचारी का भला होगा, न किसी और का भला होगा। जो आज सरकार एक बड़े बड़े सपने देख रही है, आज इंग्लैंड में प्राइवेटाइजेशन किया वापस घूम के गवर्नमेंट उसको सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ रही है, दूसरे देशों में जो प्राइवेटाइजेशन किया वहाँ कोई रेलवे की अच्छी हालत नहीं है, तो इसको देखते हैं रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार ले जा रही है को बैक करना चाहिए अगर ये इस तरह से विचार किया जा रहा है, रेलवे इटसेल्फ अपने आप में अगर उसको पैसा दिया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है, आज देश में इतनी अच्छी रेलवे, इतना सस्ता सुलभ साधन है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है जिस तरीके से जो है इसको सरकार करने जा रही है। सुमित्रा जी कैसा लगा आपको बजट बनाने में? हमारे जो वित्त मंत्री महोदया उन्होंने बहुत मेहनत की है निश्चित रूप से, और 3.25 घंटे तक उन्होंने इस बजट को पढ़ा भी। लेकिन ये बजट किसके लिए है? हिंदुस्तान आज जिस समस्या से जूझ रहा है, बेरोजगारी के बारे में कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन बजट ये है, और जितनी तेज गति से निजीकरण को इसमें बढ़ाया गया है, हैरानी की बात यह है कि जो लाभदायक पब्लिक सेक्टर है LIC जो 26,000 करोड़ का मुनाफा सरकार को देती है उसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके भी शेयर देंगे निजी हाथों में, तो ये इस जो बजट की दिशा है वो बिल्कुल उद्योगपतियों की तरफ है, इस देश के आम नागरिक की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान रखा नहीं गया है, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में ये बजट कुछ भी नहीं बता रहा है, कुछ भी उनको राहत नहीं दे रहा है। आज जो इंटरव्यूज दिन भर चल रहे थे, जो चर्चाएं दिन भर चल रही थी, उसमें विद्यार्थी भी थे, उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, उद्योगपति भी थे, कोई भी इस बजट से
खुश नहीं है। आपको तो लगता है किसी भी सेक्टर में कुछ नहीं, किसी भी सेक्टर को फोकस नहीं किया गया, आप ये मान रहे हैं सुमित्रा जी? किसी पर भी फोकस नहीं किया गया, और थोड़ा बहुत जो लाभ देने की कोशिश की गई है वो उद्योगपतियों को लाभ देने की कोशिश की गई है। निजीकरण की ओर सारा जो मोड है वो निजीकरण की ओर किया गया है, जिससे कोई लाभ नहीं होगा, लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो रही है, वो कैसे बढ़ेगी, कैसे लोग चीज खरीदेंगे, कैसे मार्केट ठीक होगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। चलिए, बीजेपी नेता आरपी विजय जी भी हमारे साथ हैं। सर, तीन अभी तक जो रिएक्शन आया, खुश नहीं है ये बजट को, आप कैसे? श्वेता जी, मैं बताऊं, ये जो बजट आज दिया है निर्मला सीतारमण जी ने जी, ये विकास को गति देने वाला बजट है। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो चल रहा था, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा स्लो डाउन आ गया था, उसको एक गति देने वाला बजट है। जिस तरीके से आप बात कर रही थी, अभी सुमित्रा जी भी कह रही थी, मानचंद खंडेला जी भी कह रहे थे, मान साहब भी कह रहे थे, तो मैं इन सबकी बात ये कह रहा हूँ कि बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में जो जहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे, चाहे वो फार्मर्स के हों, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे टेक्सटाइल के हों, चाहे आईटी के हों, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया और बड़ा काम किया गया है। तो इससे डेफिनेटली विकास को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा। अगर जिस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर, जैसे अभी मानचंद खंडेला जी बोल रहे थे कि साहब ये क्या किया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। आपको ऑप्शन दिया गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कहाँ बचत हो रही है। जिस तरीके से बचत होगी, आदमी अपना काम करेगा, उसे क्या होगा कि आपको दो ऑप्शन इस तरीके के मिल गए कि अगर आपको 15 लाख रुपए तक अगर टैक्स में रेट कम करनी है तो आपको डिडक्शन और रिबेट नहीं मिलेगी, और अगर आपको दूसरा अगर लेनी है आपको रिबेट, अगर आपने ऑलरेडी हाउसिंग लोन ले रखा है, नहीं होगी। मैं आपको जब LIC नहीं लेंगे तो बंद हो जाएगी सरकार की नीति। आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्या होगा, इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यंग अपना भविष्य कैसे बनाएगा। अभी डिबेट के टाइम पे अपन बात कर लेंगे, अभी ओपनिंग के रिमार्क्स हैं। ठीक है, मेरा कहने का अभी से रिएक्शन सर, अभी से रिएक्शन जो है, ये गति देने वाला बजट है। हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, और जब अपन इसको आगे वार्तालाप करेंगे तो इसमें अपन बात। ठीक है, ठीक है, यानी आप ये मान रहे हैं कि हर सेक्टर को दिया गया है, भले ही अगर उसे डिटेल में देखा जाए, बैलेंस बजट आप मान रहे हैं। चलिए ठीक है, वर्धमान सेठिया जी हमारे साथ है। वर्धमान जी, रियल एस्टेट को सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि बीच में कैसी हालत रियल एस्टेट की हुई आप लोग बेहतर समझते हैं, ऐसे में इस बजट से क्या उम्मीदें पूरी हुई या फिर वैसी ही स्थिति? देखिए, वैसे तो हर बजट से सभी वर्गों को बहुत उम्मीद होती है, पर इस बार कुछ उम्मीदें ज्यादा थी। और जिस तरह का देश में अभी माहौल चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो ऐसा हम अपेक्षा कर रहे थे कि उसको काफी कुछ एड्रेस किया जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी वास्तव में वैश्विक मंदी है और हिंदुस्तान उससे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है। दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारे दूसरे उद्योग धंधों को भी उस पर निर्भर रहते हैं। जी, तो यदि यही सेक्टर नोटबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, तो इसमें यदि तरलता की सुविधा होती, जैसा कि खंडेला जी ने भी कहा कि इस बजट से हम यदि मांग को डिमांड को स्टिमुलेट कर सकते और मनी सप्लाई को बढ़ाते तो ओवरऑल इकोनॉमी में चाल आती है। ठीक, और वो चाल लाने में ये बजट मेरे ख्याल से सक्षम नहीं है। हाँ, वैसे मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छे निवेश की भी कभी प्रस्ताव है, जैसे शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाना है, और ये वो सेक्टर हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान भी दिया जाना चाहिए था। लेकिन एक समस्या इससे भी खड़ी होगी, यदि हमारे पास शिक्षित और स्किल्ड वर्कर्स हुए और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट में एक सेक्टर है जो अभी देश की मांग भी है, गरीबों के लिए जो मकान बन रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें जरूर कुछ रियायतें दी गई हैं, एक साल बढ़ाया भी गया है, ये कुछ बेहतर है। आप ये और उसमें हाँ। उसमें उन्होंने जो ATC की रिबेट है उसको 1.5 लाख की सीमा तक अलाउ भी किया है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो ठगा सा रह गया, उसे एक तरफ आधी इनकम टैक्स के रेट का छलावा दिया गया है और दूसरी तरफ
जो एटीसी की रिबेट थी उसको हटाने के ये सही है कि मध्यम वर्गीय जो है उसके लिए टैक्स को लेकर ही सबसे ज्यादा इंतजार बिल्कुल रहता है। सर आपके पास लौटेंगे क्योंकि रजनीश सिंघवी जी हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। रजनीश जी, इस टैक्स स्लैब को कैसे समझे, क्या राहत माने से या बहुत अच्छी राहत माने या फिर वैसे ही है जैसे पहले था, कुछ इधर उधर कर दिया गया? कोई ज्यादा लंबी चौड़ी राहत नहीं है क्योंकि आपने 5% या 2.5% का जो रिडक्शन दिया है उससे जैसे ही आपने इंसेंटिव हटाए 1.5 लाख के जो आपको टैक्स सेविंग के मिलते थे और इसके अलावा मैनी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन और डाल दिया कि आपने एक बार आपने इसको ऑप्ट कर लिया तो आप अगले सालों में भी आपको फिर वो रिड्यूस टैक्सेशन वाला जो है स्लैब फिर आपके पास में ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब यदि किसी के पास में सरप्लस मनी बाद में होती है एंड ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट, तो मैं आज ही सेक्शंस को पढ़ रहा था तो आई वाज लिटिल बिट कि भाई एवरी ईयर में देर मस्ट बी ऑप्शन इंस्टेड ऑफ कि एक साल में ही ऑप्शन ले लेने के बाद में अगले सालों में नहीं रहे। इसमें और दो तीन चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जब भी अपन बजट का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो अपन समहाउ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ इनवर्ड लुकिंग है, अपन सिर्फ इंडिया की तरफ से देख रहे हैं। पूरे विश्व में अभी जिस तरह की ट्रेड वॉर थी और जिस तरह का इकोनॉमिक रिसेशन, सिर्फ ये इंडिया की ही कंडीशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, एंड अभी तो ये फीलिंग है कि रियल रिसेशन कैन कम पूरे वर्ल्ड ओवर, तो अपन कितना उसके लिए तैयार हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, ऑयल की बढ़ती हुई रेट, डिमांड की डैम्पनिंग, चाइना एंड अमेरिका ट्रेड वॉर फॉर द टाइम बींग थोड़ा सा लोग कहते हैं कि बेटर हो गया है, पर इससे काफ़ी मेजर डिस्टर्बेंसेज जो हुए हैं और आगे हो सकते हैं उसके लिए अपन कितने प्रिपेयर हैं। समाज दिस बजट इज नॉट बिल्कुल। रितु सुमानी जी, उनका भी एक रिएक्शन लेते हैं। रितु सुमानी जी, बजट कैसा लगा? देखिए बजट ये जो एक कहा जाता है आम आदमी के लिए आम बजट, लेकिन जो एक आम आदमी बड़े आशा से देख रहा था, जिस तरह से एक रिसेशन चल रहा था इकोनॉमी में, रोजगार नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब इस बजट के बाद देखा तो ऐसा कुछ भी आम आदमी को नहीं मिला, जिसकी वजह से जैसे कि अभी वर्धमान जी ने कहा, सिंघवी जी ने भी कहा, कंडेला जी ने भी कहा, सब ने कहा, सिवा एक इनके, सभी ने का रिएक्शन देखा जाए तो यही है कि बजट इज़ नॉट गुड। कोई इसमें किसी भी तरह का विजन नहीं है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था का सुधार किया जाएगा, रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे, किस तरह से देश को एक व्यापार को गति दी जाएगी। रियल एस्टेट काम नहीं कर रहा है। देखिए बहुत सारे, जैसे हम राजस्थान की बात करें, जयपुर में कहें, ज्वेलरी रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर हुआ करता था, आप बोल रही हूँ, क्योंकि आज स्थिति ये है कि बड़े बड़े बिल्डर सुसाइडल मोड पे है। बड़े बड़े बिल्डर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो छोटे मोटे बिल्डर की तो हम बात ही क्या करें। यदि ये नहीं है तो कारीगरों को काम नहीं है, है ना, लोगों ने कारीगर हटा दिए हैं, वर्कर हटा दिए हैं, आधे आधे कर दिए हैं, लेकिन क्या इससे क्या मिला? आप ये देखिए, सीमेंट है, बजरी है, ये लोहा है, कितने उद्योग इस पर डिपेंड करते हैं, एक सिर्फ रियल एस्टेट की बात कर रहे हो। तो आप इस तरह से यदि इंडस्ट्रीज को नहीं ध्यान देंगे या इंटरनल अपनी इकोनॉमी को नहीं बूस्टअप करेंगे तो किसी भी तरीके से जो स्थितियां हैं और बदतर होती जाएगी, रोजगार कम हुए, क्राइम बढ़ेंगे। मैं एडवोकेट भी हूं तो मैं रोज जो देख रही हूं, जो सिनेरियो है वो इतना खराब होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि रोजगार नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, जिसके काम थे उनके काम धंधे बंद हो गए हैं, रोजगार बंद हो गए, तो उसके लिए क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि आम जनता को यदि रिलीफ नहीं है तो आप कुछ भी एक सपने दिखाएं कि इससे गति मिलेगी, ये सपने देख देख के और यही वजह कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर कुछ नहीं, क्योंकि रोजगार सृजित ही नहीं हो पा रहा है। कैसे किया जाए, कैसे रोजगार दे, कहां से दे, प्राइवेटाइजेशन अलग होने की बात यहां पर कही जा रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक बेहद अहम बात आपने ऋतु जी कही है कि ये एक बड़ी वजह है, बड़ा रीजन है, लेकिन ठीक है, बजट के ये रिएक्शन थे जो जिस तरह से देख, लेकिन अलग अलग सेक्टर में जिस तरह से कहा जा रहा है, किसी ने कहा हाँ कुछ ठीक था, लेकिन कहीं पर भी टच भी नहीं किया गया, क्या कुछ वो सेक्टर थे, क्या कुछ किया जा सकता था और इसके असर क्या होंगे इस एक साल में, उस पर भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट में स्वच्छ भारत, स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ पर्यावरण को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ये रिपोर्ट में आपको दिखा दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत योजना के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की।
our government is committed to ODF plus. We know ODF is already there, launched successfully, sort of covered, saturation reached. But our government is committed to ODF plus in order to sustain ODF behavior, because it has a lot of impact. If behavioral patterns don't remain consistent, it can have a negative bearing. So our government is committed to ODF plus in order to sustain ODF behavior and to ensure that no one is left behind. Now, more needs to be done towards liquid and grey water management. Focus would also be on solid waste collection, source segregation and processing. The total allocation for Swachh Bharat mission is about 12,300 crores for this year, 2020-21. Desh ka annadata ab urja data bhi banega, is baat ka zikr karte hue, Vitt Mantri Nirmala Sitaraman ne Pradhan Mantri Krishi Urja Suraksha Uttan Mahabhiyan yani PM Kusum Yojna ke vistar ki ghoshna ki. Is yojna ke tahat 20 lakh kisanon ko solar pump lagane mein madad ki jayegi. Vitt Mantri ne kaha ki kisan in solar pumpon se banne wali atirikt bijli ki aapurti grid ko bhi kar sakenge. Modi sarkar ne pichle karyakal ke duran Farvari 2019 mein PM Kusum Yojna ki shuruaat ki thi, jiske tahat 34,422 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। किसान की जमीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांवों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति शुरू की जा सकती है। The PM Kusum scheme removed farmers' dependence on diesel and kerosene and linked pump sets to solar energy. Now I propose to expand the scheme to provide 20 lakh farmers for setting up standalone solar pumps. Further, we shall also help another 15 lakh farmers solarize their grid-connected pump sets. In addition, a scheme to enable farmers to set up solar power generation capacity on their fallow and barren lands and to send it to grid would be operationalized. इसके अलावा इस बजट में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर भी कई फैसले किए गए हैं, जिसके तहत कोयले वाले पावर प्लांट को जल्द से जल्द बंद किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, उन्हें स्वच्छ हवा देने के लिए 4,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योर रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज़। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं सुमित्रा जी, अब इससे पहले जब रिएक्शन ले रहे थे आपने कहा कि आपको इसमें कुछ भी नजर नहीं आता किसी सेक्टर में, लेकिन आपको नहीं लगता कि महिलाओं को लेकर बात हो, कृषि को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं वो ठीक ठाक है, कम से कम इस लेवल पे भी नहीं लगता? जबकि आरपी विजय जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ मिला है, हर एक सेक्टर में ध्यान से देखने और डिटेल में जाने की जरूरत है। नहीं, देखिए विजय जी किस दृष्टि से कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया है आप देखिए, योजना कर्मी जो महिलाएं हैं इतनी उम्मीद लगा रखी थी, घोषणा ये की है कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो कर्मचारी हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, ठीक है स्मार्टफोन दीजिए अब, लेकिन उनके उनको कर्मचारी तो घोषित कीजिए ना, उनको मजदूर मान रहे हैं ना उनको कर्मचारी मान रहे हैं, मानदेय के नाम पर उनको ऐसा न्यूनतम राशि मिलती है कि जिससे न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती, वो राशि जो जिसको मानदेय कहते हैं उसको बताने में भी लगता है कि ये क्या मिल रहा है इनको, मिड डे मील मानदेय के मानदेय राशि मिल रही है, किया गया पता है पिछले बजट के अंदर मिड डे मील वर्कर उनको 1320 रुपए वो भी राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी। आप पहले बोले आंगनबाड़ी में ठीक है सुमित्रा जी, आपको लगता है, लेकिन आरपी विजय जी आप कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, मैं एक बात बताऊं, विरोध के लिए विरोध का लायक बजट है। सुनो मेरे,
ये बेसिकली क्या है, आज विरोध करो ठीक है, आज विपक्ष का काम विरोध करने का करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव विरोध होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव विरोध होना चाहिए। अगर कोई कारण हुआ, अगर कोई सुझाव हो तो आपके आने चाहिए। अभी बजट में डिबेट होगी, अच्छी चीजें। मैं आपकी समझ, मैं ये बता दूं इनको, आप जो मानदेय की बात कर रही थी, मानदेय आपको मालूम है क्या था उससे पहले? आज कम से कम 5-6 गुना मानदेय। सुमित्रा जी, देखिए गेस्ट और भी, सुमित्रा जी आपने बात रखी ना, उस पर भी हम जरा रिएक्शन ले लेते हैं, अगर वो कोई कुछ कहना चाह रहे। बात कभी नहीं करता, ठीक है। ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनका मानदेय 4% उन पर कार्य के बाहर कितना डाला, आज की तारीख में 56 कार्य उनके पास में है, 56 कार्य। और ऐसा कौन सा काम है जी, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है काम किस तरीके से हो रहा है। वो बात अलग है, इसका मतलब पता है, मैंने बार बार मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 3-4 घंटे का मान दे, आप 3-4 घंटे 56 काम है, कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, अरे मुझे नहीं पता, मुझे पता है, आपको सब पता है, काम है, स्मार्टफोन के आधार पर उनका मॉनिटरिंग की जाती है और वो कितना भार पड़ता है इसका अंदाजा लगाइए। की बात ये आप बात कर समान कार्य के लिए समान वेतन, संविधान में क्या लिखा हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और यहाँ पर समान कार्य के लिए। ठीक है, आरपी विजय जी, देखिए देखिए आप ठीक है, सबके अपने अपना नजरिया है इस बजट को देखने का। आरपी विजय जी आपने कहा, लेकिन अगर कुछ किसी को नहीं समझ में आया उनकी बात सुनते, अगर उनको कुछ जो भारत मूल की है, उन्होंने कहा विश्व में मंदी का 80% कारण भारत है। अब मुझे बताइए आप मैं क्या करूं, वो कह रही मैं तो कुछ नहीं कह रहा। अब इसके आधार पर आप इस तरह से भारत की, आज भारत की इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और पूरे विश्व की उस पर नजर है। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि शायद श्रोता बजट के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैं रियल एस्टेट के संबंध में एक बात कहूँगा कि इस बजट ने रियल एस्टेट को दिया तो कुछ नहीं, बल्कि हमारा रहा सहा व्यापार भी चौपट होने वाला है। एकमात्र जो चीज़ थी वो थी लोग लोन लेकर फ्लैट खरीदते थे और उस लोन से उनको जो है इनकम टैक्स में रिबेट मिलती थी। यदि मेरे दोनों तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि लोन के रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों की छूट ATC में मिलती थी, जो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता था किसी भी व्यक्ति के लिए मकान खरीदने का। दूसरा, सरकार चाहती है कि सबका अपने घर का सपना पूरा हो और इसके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा फायदे वाली चीज थी जो इन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया और इसको ATC के बेनिफिट्स आज भी अवेलेबल है, ये ऑप्शन दिया गया है। पर ये ऑप्शन यदि है, देखिए अगर वो इस तरह से ऑप्शन सर कंफ्यूजन पैदा नहीं कर, मैं बैठ दे रहा हूं आपके साथ, ठीक है? रजनीश जी से बात कर लेते हैं सर, ठीक है? वित्त मंत्री जी ने ये कहा आज सबसे गलत बात को वापस दे दिया है। अब ये डायरेक्शन कहां जा रहा है? डायरेक्शन जा रहा है कि कुछ भी रिबेट कंसेशन आपको नहीं देंगे और आपको टैक्स ऐसा नहीं है। अब एक खंडेला जी, ठीक है? लेकिन ऑप्शन आप एक अगर चूज करते हो तो वो आपके लिए फिर वही आपको कैरी करना है, आप फिर उसमें बदल नहीं सकते। क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? रजनीश जी इसी पर बात करते हैं, सेक्शन को पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है। अब अपन इसमें आगे आते हैं इस सेक्शन को, ये क्योंकि जो अपने कंसेशन उसको आज काफ़ी मेजर वे में प्रमोट किया जा रहा है कि हमने स्लैब रेट्स रिड्यूस करी हैं आफ्टर फॉरगोइंग द एग्जम्पशन। थोड़ा सा मेरे को बैकग्राउंड देने दीजिए। कुछ सालों पहले ये क्लैरिटी आ रही थी कि टैक्स रेट्स को इतना रिड्यूस कर दो कि बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव्स और ये सारे नहीं रहे तो प्लेन एंड सिंपल टैक्स होगा। समा हो ये रहा है कि आज भी इस टैक्स के जो प्रोविजन आज मैं पढ़ रहा था, अगेन अपना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि यदि आपने जैसे ये किया तो ये सेक्शंस का आपको बेनिफिट फोरगो हो जाएगा, ये अभी भी क्लेम कर सकते हैं। वाई टू मेक इट सो? आप रेट ऑफ टैक्सेशन कम करिए और उसके बाद में
फिर आपकी जो कैशलेस इकोनॉमी की इशू है, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी भी आपकी हेडक्स कम होती जाएगी. जितना आप टैक्स कम होता जाएगा उतनी कंप्लेंस बढ़ती जाएगी. एंड दैट वी हैव सीन 1995 में जो एक मजहब ईयर गलत हो सकता है, मिस्टर चिदम्बरम का, जब उन्होंने एक झटके में टैक्स रेट को मेजर वे में रिड्यूस किया था, स्लैब्स को एक मेजर वे में किया था, उसके बाद में टैक्स कंप्लायंसेस हैड इंप्रूव्ड लाइक एनीथिंग. दिस वाज विदाउट एनी पॉलिटिकल. जस्ट लेट मी कंप्लीट, दैट इज वन. सेकेंडली होता क्या है, ऐसे डिस्कशन में जनरली कोई एक माइनर पॉइंट पे चार पांच लोग अपने अपने व्यूज देना चालू कर देते हैं, और उससे जो रियल मेजर फोकस है, सर व्यू देने के लिए आया है यहां पे, अब ये मत बोलिए. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कहूं कि आप व्यू देने लगे, ये कोई बात नहीं है. नहीं, ये देखिए डिबेट लग गई कंप्लीट एंड कैन यू डिस्कस ये डिस्कशन है, हम चर्चा कर रहे हैं. बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं. बजट है, देखिए बजट आप डायरेक्शन मत दीजिए प्लीज. नहीं डायरेक्शन की तो नहीं, डायरेक्शन बात है. ठीक है, इनकम टैक्स में उसके आगे की प्रॉब्लम बता रहा हूं. इनकम टैक्स में अगर हम बातें कर रहे हैं, लेकिन यहां देखिए प्रोग्राम की प्रॉब्लम. सर ब्रेक में जाना है, आप अपनी बात खत्म करिए. इनकम टैक्स ब्रेक में जाना है. ठीक है, इसको समझते हैं हम, सिंपल समझते हैं हम, इतना जानते हैं आज जो हमने टैक्स भरा है. और बड़ी बात ये है कि आम आदमी कैसे समझे, देखिए आम आदमी कैसे समझे ये सारा. मैं वही बात कह रहा हूं, सीधा हम कह रहे हैं, आम आदमी ये जानता है कि मुझे क्या देना, गवर्नमेंट से मुझे क्या. बिल्कुल सही, ठीक है. जो जो एक्सपर्ट्स है वो समझ रहे हैं कि वो किस लेवल पर है या क्या फैसला लिया गया, लेकिन एक आम आदमी वो कैसे समझेगा कि हमें क्या फायदा, उसके जेब में पैसा कितना बच रहा है, कितना ज्यादा जा रहा है, उसको इससे मतलब है, उसको इससे मतलब है. और शायद इसीलिए आम आदमी का समझना जरूरी है, और वो समझना चाहता है कि इस बजट में उसे मिला क्या है, उसे की जेब हल्की हो रही है या फिर उसकी जेब भारी हो रही है. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. तो बजट आज पेश हो चुका और पूरे दिन चर्चा भी हुई कि बजट में क्या मिला, क्या बेहतर था, क्या नहीं था, किन सेक्टर को नहीं छुआ गया. हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद है. चलिए एक लास्ट कमेंट जरूर लेते हैं क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म होने वाला है. मानचंद जी आपसे शुरुआत करते हैं कि हाँ जी, आपने ए टी सी और डी को एक तरह एबोलिश करने की प्रक्रिया की है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है सामाजिक रूप से भी आर्थिक रूप से. क्यों? रियल एस्टेट वही खरीद सकता है जिसके पास एक नंबर का सर्विस क्लास के पास में. अगर आप मानो एलआईसी नहीं खरीदोगे बुढ़ापे में क्या करोगे आप? तो सवाल है ये जो इनडायरेक्टली जो बचत को बिल्कुल ठीक है असंभव बना दिया, जो गलत है, आगे भी ऐसा होगा, इसके लिए आप ध्यान रखें. इसके लिए थोड़ा विचार करने जरूरत है. मैं सिर्फ रेलवे के बारे में बात करूंगा. अब से पहले जो भी सरकारें रही उनमें कई कमेटियां रेलवे में बनी, जैसे एक राकेश मोहन कमेटी बनी, दूसरी कई कमेटी. उस समय जो वहाँ उस समय की यूनियन हमारे साथ में बातचीत करके उस समय की सरकारों ने उन कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया. इस सरकार ने एक विवेक डेब्रॉय कमेटी बना के उस विवेक डेब्रॉय ने वही कमेटी की पुरानी रिपोर्ट को उठा के उसको नए सिरे से पेश कर दिया, और उसको बिना किसी ट्रेड यूनियन से चर्चा, बिना किसी स्टेक होल्डर से चर्चा के आज सरकार लागू कर रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है. ये बिल्कुल ड्रास्टिक स्टेप है सरकार का. ऋतु सुमानी जी, कितने नंबर इस बजट को देंगे आप 10 में से? मैं तो एक या दो नंबर दे पाऊंगी, क्योंकि 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 महिलाओं के लिए क्या किया गया, आम आदमी की, मैं तो आम आदमी हूं और महिला हूं, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं मिला. यदि मुझे ना रोजगार, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चों को रोजगार का कोई अवसर नहीं नजर आता मुझे कोई इकोनॉमी में. यानी आप 10 से एक या दो नंबर देंगे आपको किसी भी. हां सुमित्रा जी, आप कितने मार्क्स देंगे? मैं तो कुछ नंबर दूंगी नहीं. मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि सरकार ने कहा है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे पीपीपी मोड के ऊपर, एजुकेशन को, हेल्थ को, सबको प्राइवेट करने जा रहे हैं. ये किसका भला होगा इसमें? अगर इतना ही प्राइवेटाइजेशन के अंदर जोर दिया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी कि जो पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा इस देश का है LIC, उसको निजी हाथों में दे रहे हैं और वो 4 तारीख को स्ट्राइक कर रहे हैं. आप नंबर इमारत से नहीं देना चाहते, लेकिन आप भी बजट जी आप ही हैं जो बहुत बेहतर, और आप मान रहे हैं कि बहुत बैलेंस सब चीजों को देखा गया है. नंबर बता दीजिए 10 में से कितने देंगे, उससे हम समझ लेंगे. देखो ऐसा है, मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा. रीजन में बताता हूँ आपको, उसके पीछे रीजन है कि हर सेक्टर कौन देगा. एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, इसमें हर सेक्टर को ये पैसा दिया गया है, चाहे एग्रीकल्चर फार्मर्स हो, यूथ हो, चाहे आपकी लेडीज हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, और फार्मर्स की तो इनकम को ही डबल किया जा रहा है. उसके लिए 16 एक आम आदमी बजट को किस तरह से देखता है, उनके लिए बड़े बड़े आंकड़ों का कोई महत्व नहीं होता. वो ये देखता है कि मेरे पास कितने पैसे जेब में बचे जो मैं जाके खरीद सकता हूँ. तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई टैक्स की रियायत है जिससे कि एक आम व्यक्ति के पास कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, बल्कि इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ पैसा उसको खर्चा बढ़ेगा. इसलिए आम आदमी के लिए बहुत उत्साहवर्धक बजट नहीं. मार्क्स कितने दे रहे 10 में से? मैं 4-5. 4-5 दे रहे हैं, ठीक है. रजनीश जी, तो अगेन मैं बेसिस बता देता हूँ कि मैं नंबर जो भी दूंगा किस बेसिस पे दूंगा.
एक तो कि आपने टैक्सेशन के अंदर क्या किया, जो कि मेरा एरिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में यस ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और उन्होंने जस्ट फ्रॉडलेंट केसेस पे ही किया है, कोई चेंजेस नहीं है. एंड देन इकोनॉमी को डायरेक्शन तो 4 विल बी ओके, बिकॉज कोई डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ 10 में से 4 कोई डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ थिंग्स नहीं होने, पौने 4 पौने 4 तो रेलवे के हिसाब से अगर देना चाहे तो 3-4 नंबर हो सकते हैं. 3-4 नंबर यानी कि सिर्फ एक तरफ 10 में 10 है तो 1 और 2 है सबसे मिनिमम. ठीक है, बात लगी मुझे. वो जो सरकारी बॉन्ड एनआरआई खरीद सकेगा, यहाँ से पैसा आएगा और यहाँ से भी पैसा की तरलता मार्केट में आएगी, इसलिए मुझे संभावना लग रही है. ये अच्छी बात है. चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए. तो बजट पेश हो चुका है, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन उम्मीदों पर उतना खरा उतरा नहीं है बजट. लेकिन अपने अपने रिएक्शंस, अपनी अपनी सोच नजरिया है, लेकिन अब देखना होगा कि जो वादे और जो बातें कही गई बजट में वो इंप्लीमेंट कैसे होती है और कितनी जल्दी होती है, क्योंकि वो धरातल में अगर नहीं जाएंगे तो इस बजट का कोई मतलब नहीं है. चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन